तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7 क्विज में से, तो क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज। तो पेरीमीटर और ब्रेथ में हमें रेशियो का रिलेशन दिया है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी इधर लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है 216। फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा एल प्लस बी ओवर बी, तो है ही यहां पे, और 5/1। ये होता है हमारा एल इंटू बी 216। अब आप यहां पे एक काम कर सकते हो कि बी की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 216 ओवर एल, क्योंकि हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल हम यहां पे रखेंगे। अब यहां पे वैल्यू पुट करवा दो, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इससे भी आसान बनाना है तो बी को उधर ले जाओ पहले, तो 2l प्लस 2b इधर आ जाएगा और इधर 5b आ जाएगा। अब इधर से माइनस करवा दो तो 2l किसके इक्वल आ जाएगा, 2l आपका आ जाएगा 3b के। अब वैल्यू पुट करवा दो, अब और आसान हो गया। तो यहां पे जब आप वैल्यू पुट करवाओगे 216 ओवर l, और l उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे कट जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एल उधर जाके एल स्क्वायर। दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, अब यहां पे पेयर्स में नंबर चाहिए। 3 आपके पास यहां पे ऑलरेडी है, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो एक और 3 आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा 39। अगेन आपके पास 3 नहीं नहीं नहीं, नहीं यहां पे आएगा 6 आ जाएगा, अगेन 3 पे चला जाएगा, फिर से 3 पे चला जाएगा, देन 2 × 2 आ जाएगा। तो ये आपके टोटल पेयर्स हैं, 3 × 3 एंड 2 × 2, तो L किसके इक्वल आ जाएगा, 3 × 3 × 2, दैट मीन्स 18। तो 18 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी। यस दैट्स इट।